देखिए, यदि p एवं q समीकरण इसके मूल हो, ये मूल है इसके, तो मूलों का योग जो होगा और किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ x का गुणांक और बटा में x स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, p प्लस q इक्वल टू में माइनस का p। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इस माइनस p को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2p प्लस q इक्वल टू में जीरो, समीकरण एक। फिर उसी तरह से मूलों का गुणनफल यानी कि p इंटू q की बात करेंगे, मूलों का गुणनफल तो वो हो जाएगा किसके बराबर, तो यहाँ q और बटा में वन है ना, तो यहाँ से q के q उधर ले जाते हैं डिवाइड में, तो p का वैल्यू वन आ जाएगा, और p का वैल्यू इसमें वन रख देंगे तो यहाँ देखिए q का वैल्यू हमें मिल जाएगा, टू जाकर उधर सब माइनस का टू आ जाएगा, तो वन और माइनस का टू, ये नंबर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16।